बातचीत करने वाले है ही नहीं, वो ठेले वाला नहीं है, कोई मूंगफली वाला ही आ जाए बंदा उससे थोड़ी मोल भाव कर ले, और तो और मक्खियां भी नहीं चलो बंदा वो ही मार ले। यहां से लोग घर की मुश्किल बड़े बड़े मुश्किल से दिखाई देते हैं हमारे लोग। यहाँ पे एक चीज है, मैंने देखा है आस पड़ोस में कौन रहता, गोरे लोगों को ज्यादा पता नहीं होता, पर हमारे बुजुर्ग तो इतना घुल मिल जाते हैं आस पड़ोस वालों से, पीछे से देख के बता दें ये दविंदर की बीवी जा रही है। साफ सब कुछ चीजें हैं, मैं ना हमेशा जब भी बाहर आता हूँ मैं तो देखता हूँ कुछ चीजें ना हमें सीखनी चाहिए इन लोगों से, कुछ इनको हमसे सीखनी चाहिए, हमेशा होता है गिव एंड टेक। यहाँ पे सफाई इतनी, कल मैं एक लेडी को देखा कुत्ते को घुमा रही थी, कुत्ता भी उसका शांत, हमारे जो स्ट्रेट हो चुपचाप जा रही है, एक हाथ में पॉलिथीन पकड़ा हुआ उसने, वेरी नाइस। कुत्ता अगर कहीं मूव कर दे उसी समय सफाई कर देगी, हम लोग कभी कभी उल्टा कर देते हैं हमारे वहां पे, हमारे कुत्ते को ड्यूटी लगाते ध्यान रखो याद नहीं रखो खुद अपना काम करके निकल जाते। पर मैं बात बताऊं इस देश की तरक्की में जितना आप लोगों का हाथ है, आप सबके लिए जोरदार तालियां बनती है। आज अगर यूएस दुनिया की पावरफुल कंट्री में से एक है तो यह आप लोगों की मेहनत का ऊपर से अलाउंस है। हमारी महिलाओं का बड़ा इजी हो गया है, गाड़ी को ऑटो पायलट में डाल के अंदर दो घंटे तैयार होती रहती है जितना मर्जी ट्रैफिक हो। एक आदमी ने अपनी बीवी को फोन किया, कहता तेरी टेस्ला कोई गाड़ी ले गई है, कोई औरत ले गई है तेरी, तेरी टेस्ला कोई ले गई है। तो बीवी कहती है मैं ही हूं, तूने मुझे बिना मैं करके देख लिया होगा। ये कल शिकागो मेरे बंदे ना, मैं बड़ा तंग आ जाता हूं कभी कभी, ये पीछे ट्रंप एक पांडे नाम का आदमी बैठा होगा, पांडे बना शक्ल दिखा देना, खुशी में घर से लगा के आते हैं, उसके बाद चार लाउंज में लगा लेते हैं, और उसके बाद फिर जाके ना मैं तो पता शुक्र है भगवान का फ्लाइट में चढ़ने से पहले बोर्डिंग कार्ड चेक हो जाते, नहीं तो ये किसी और एयरलाइंस में चढ़ जाते, क्योंकि पांच छह ड्रिंक पीने के बाद ना आदमी एयरलाइंस देख के नहीं चढ़ता, वो एयर होस्टेस देख के चढ़ता है कि एयर फ्रांस वाली अच्छी लग रही है। हम लोग जब आए
इंडिया से दुबई तक तो अपने लोग बैठे होते हैं, आपको पता है दुबई के बाद इंटरनेशनल लोग बैठने शुरू होते हैं, फिर मजा आता है देख के वहां का माहौल। मेरे साथ एक अरबी शेख बैठ गया आके, उसने इतना स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगाया मेरे नाक के बाल जल गए। मैंने अपना निकाला नहीं क्योंकि 5 मिनट बाद उसका वाला परफ्यूम मेरे पे चढ़ गया था। दिनेश की सीट आई गुजराती भाई के साथ, ये जब उतरा मैंने कहा तेरा जेट लैग चला गया, कहता जेट लैग तो मेरा चला गया, मेरी थेबलों की स्मेल नहीं जा रही। ले जाओ ले जाओ, शो के बाद आपको दे दूंगा, ले जाओ आप। मैं अपना वो 25 साल हो गए, हाँ जी क्या करेंगे, यही बात करनी थी, इतनी दूर यही बोलने आए थे। लव यू ब्रदर, शुक्रिया, थैंक यू, लव यू ब्रदर, लव यू, थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया। मेरी किस्मत में लौंडे लपाड़े लिख रहे हैं। जो मेरे पास अरबी शेर बैठा होता ना वहां पे, वो अरेबियन एयर उस पर साइकिल यहाँ आकर मैंने ये क्या बोल रही है, कहता वो बोल रही है कि यहाँ पे ना फेफड़ों की स्मेल बहुत हो गई है, एक चक्कर लगाओ फ्लाइट में घूम के, क्योंकि तुम्हारा परफ्यूम बड़ा कैसे लगे आ रहे हैं। अच्छा मैंने सुना है ये फर्स्ट क्लास वाले, सुना है मैंने देखे कभी नहीं, इनका इनका अलग ही एटीट्यूड होता है, मैंने देखा है ज्यादा किससे बात ही नहीं करते ना फर्स्ट क्लास वाले अपने कैबिन में लेटे होते हैं, क्योंकि सारे अमीर कोई किसी को पूछते नहीं क्या करते हो, बिजनेस क्लास वाले थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं, है ना। फर्स्ट क्लास वालों को देखता ही नहीं फ्लाइट जब लैंड करते, तब थोड़ा सा दूर से आपको देखेगा, वो अपना बैगेज निकाल रहा था पीछे देख के किस बात का कमेंट होता है। बिजनेस क्लास वाला आदमी 16 घंटे लेट के है, एक्सप्रेशन ऐसे दे रहा जैसे खुद चला के है, और ऐसे स्ट्रेचिंग कर रहा है, इट्स टायरिंग, सो टायरिंग। तो हमने बड़ा चला कि मैं मुश्किल से बैठ गया है, कुछ नहीं ऐसे एटीट्यूड दिखाता, तो एक हाथ उसका अपना लगेज निकाल रहा था, दूसरे हाथ से पेंट के चेंज अंदर चली गई। हमारे जैसे लोग बैठे होते इकॉनमी क्लास में, एयर होस्टेस को भी बुलाने से डरते हैं, और अगर एयर होस्टेस ज्यादा सुंदर आ जाए बोले कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ, मेरे बंदा बोलता है यार आप बैठो आप बताओ हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। जैसे आप लिफ्ट में बैठो, लिफ्ट में जा रहे हो, कोई आपको जानता है नहीं जानता है, एक दूसरे को बड़ा प्यार से विश करते हैं, काम भी वाली बाई भी है वैसे तो होती नहीं ज्यादातर, पर अगर कोई आता है तो उसको भी बड़ा प्यार से कॉम्प्लीमेंट देते हैं, उसके बाद काम करना शुरू करती है। अच्छा कल्चर है हमारे वहां पे इंडिया में, आप अपनी काम वाली को कॉम्प्लीमेंट करके देख लो, बीवी आपकी मां ग्रहण कर देगी। इसमें ये हमारे मर्दों का भी कसूर है, इनके बोलने से ना इनकी इंटेंशन पता चलती है, यहाँ पे बोलते हैं हे लीजा यू प्रेटी, अपनी बीवी के सामने बोलते हैं, हमारे देखते हैं बीवी किचन में दिल धीरे से जाते हैं लीला बड़ी कमाल लग रही, फिर बीवी भी आपको पता है बीवियां कहां छोड़ती है, तो शीला से बच्चे भी शीला से पैदा कर लो हैं। अंदर ना नहीं भी मैं तो वो यूएस गया था, वहां से एटिकेट सीख के आया था। अच्छा यूएस से नहीं सीखे, तुम्हारे माँ के पेट से सीखे हो, वो है कल्चरों का खानदान, तुम्हारा बड़ा ताया भी अंबाले वाला शादीशुदा औरत निकाल के ले गया था, मेरे को सब पता है। आप नहीं कर सकते कुछ चीजें इंडिया में, यहाँ जो चीजें सीखने वाली वो अच्छी चीजें हैं। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, अच्छी चीजें होंगे कहीं से भी मिलो अडॉप्ट करो, यहाँ का ट्रैफिक सिस्टम कितना अच्छा है, एक के पीछे एक गाड़ियां ऐसे ऐसे चल रही लाइन बना के, दिनेश आया पहले दिन तो ऐसे लाइन से ट्रैफिक को देखता था, राष्ट्रपति आया हुआ इधर कोई जो मैं कह राष्ट्रपति नहीं आया अभी, राष्ट्रपति यहाँ पे अकेला चलता है, हमारी तरह थोड़ी एक MLA होता वो भी 50 आदमी लेके चलता है, उसको भी डर होता मेरे सपने में यमराज आया था, डॉक्टर भी टाइम पास कर लेते अच्छा मेरे भी सपने में आया था, कह रहा था पापा जी को दवाई नहीं देनी ये मेरा क्लाइंट है, तुम्हारे
मैं पीछे पीट पीछे क्या बजा रहा हूँ, रुक जाना वहां पे आगे देखते हैं। तो दोस्तों कुछ पैसे करते हैं जगलबंदी पांडे, चल तेरे पैक पैक तो नहीं लगे तेरे। ओके गोपाल इसमें लो इसमें। ओके
कुतिया काटती नहीं। अच्छा मैं टीवी का और मैं टीवी से परेशान हूं। आप देखें कि जितने भी सीरियल बन रहे हैं ना, सिर्फ महिलाओं के लिए बन रहे हैं, मर्दों के लिए कुछ नहीं बन रहा। 8 से 11 अगर किसी मर्द में हिम्मत है तो अपनी बीवी से रिपोर्ट लेके दिखाए। थका हारा घर पे आता बेचारा, आके बोलता है डार्लिंग भूख लगी, खाना खिला दो। इधर अनुपमा की माँ का एक्सीडेंट हो गया, तुम्हें भूख की पड़ी है। सिर्फ इनके लिए सीरियल बन रहे हैं, हमारा कुछ नहीं। आप देखिए सीरियल बना क्योंकि सास थी कभी बहू थी, कभी बना क्योंकि ससुर भी कभी जवाई था। अगले जगह मुझे बिटिया की जो बिट्टू क्यों ना की जो। अच्छा सीरियल देखिए बना कौन रही है, एकता कपूर नाम, एकता कपूर, कपूर बन के घर घर की एकता उड़ा रही है। सीरियल रही है। अच्छा मैं घर गया, मेरी बीवी आती कपड़े चेक करके, इधर दिखा इधर दिखा। अच्छा इधर से लंबा बाल निकल आया, किसका है? डार्लिंग मेरा ही है। तू कब से संजय दत्त हो गया, तेरा ही है। अच्छा अब मैंने माफी मांगी, कपड़े झाड़ के जाता। डार्लिंग कोई बाल नहीं, सावधान इंडिया का इतना शब्द कहती। ओ अब तुझे टकली और मुझसे मिलना शुरू करती है। मैंने कहा इसका नाम सावधान इंडिया नहीं, इसका नाम रखो सावधान बीवियां। अच्छा एक सीरियल है CID, किस किसने देखा? भाई साहब है एसी के प्रद्युमन, 2500-3000 केस। हाँ जी ऐसे मैं क्या इसके हाथ में डमरू दो या बाजारी में ले जाएगा। अच्छा कहीं भी जाके बोलता लाश को देख के गया, कुछ तो गड़बड़ है, मुझे लगता है ये मर चुका है। मैं क्या मरा और तेरे को बुआ की शादी में बुलाया? ये बनाए नहीं जा सकते, वो माँ के पेट से पैदा हो गया। वो आदमी जिसने कॉमेडी के स्पेलिंग सी से बदलकर आज के से जाने जाते हैं, वो आदमी जो पैदा एक माँ की कोख से हुआ लेकिन आज उर्दू पंजाबी हिंदी जहां जहां बोली जाती है समझी जाती है, हर घर का हर उस माँ का बेटा हो गया।
थैंक यू गाइस, शुक्रिया 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 आपकी मोहब्बत के लिए। आप ऐसे ही खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप लोग ऐसे ही खुश रहें, आपके चेहरे पे कभी कोई शिकर ना आए, खुश रहिए, आबाद रहिए, बस यही ऊपर वाले से कामना करते हैं जो आपने आज प्यार दिया है। ये आपका हमारे सर पे कर्ज है और ये कर्ज ऐसे ही बना रहे। थैंक यू सभी, शुक्रिया, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां एक बार न्यू जर्सी के लिए। थैंक यू न्यू जर्सी, थैंक यू, गॉड ब्लेस, गुड नाइट।